हेलो एवरीवन मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्टडी कॉमर्स डॉट नेट यहाँ पर क्विजे सेक्शन में आपको यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी कॉमर्स और यू से रिलेटेड क्विजेज मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स प्लस हमारे वीडियोज़ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट रुपीज़ फाइव हंड्रेड आप फ़ोनपे गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर सेवन थ्री वन सेवन टू फोर डबल ज़ीरो वन सेवन इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वुच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन को रेफर करता है यानी परफेक्ट कंपटीशन से संबंधित है पहला है देर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन बायर्स एंड सेलर्स दूसरा है देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स थर्ड है देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ बात परफेक्ट कॉम्पिटिशन की हो रही है तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमको मिलते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं प्लस फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होती है यानी कोई भी फॉर्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है और कभी भी उस इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है इस रीज़न से आपको यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलते हैं तो पहला जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है दूसरा है देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स और थर्ड है देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर इन सबके मूवमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ना ही गुड्स के मूवमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं फ्रीली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर गुड्स मूव कर सकते हैं इसके अलावा होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं यानी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो एक जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं परफेक्ट कंपटीशन जो फॉर्म्स होती हैं ये प्राइस टेकर होती हैं और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, है, है. यानी इंडस्ट्री जो भी प्राइस तय करती है सारी फॉर्म्स को उसी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना होता है इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म्स को प्राइस टेकर कहा जाता है और इंडस्ट्री को कहा जाता है प्राइस मेकर तो यहाँ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही सही है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी टू अटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन द एमआरएस विल बी कैलकुलेटेड एज़ अगर कोई कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए वाई कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को लीव कर रहा है और इन गुड्स के सब्सटीट्यूशन उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम एम को कैसे कैलकुलेट करते हैं चार ऑप्शन से हमारे चेंज इन एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई कमोडिटी सेकेंड ऑप्शन है चेंज इन एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाई एम यू ऑफ वाई थर्ड दिया है आपको चेंज इन वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको चेंज इन वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ये चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन क्या है तो कोई भी कंज्यूमर जिन दो गुड्स को कंज्यूम करता है उनमें जब वो किसी एक गुड की यूनिट को इंक्रीज करना चाहता है तो उसके लिए उसे दूसरे गुड्स की कुछ यूनिट्स को लीव करना होता है जैसे यहां कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई की बात कर रहे हैं अगर कंज्यूमर को कमोडिटी एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज करना है तो उसे वाई की कुछ यूनिट्स लीव करना होगा यानी सेक्रीफाइस करना होगा ताकि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम रहे वो मेंटेन रहे यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटिस्फैक्शन लेवल में कंज्यूमर के कोई भी चेंज नहीं आता है तो यहाँ क्या किया जा रहा है एक कमोडिटी को सब्सटीट्यूट किया जा रहा है दूसरे की जगह पर इसे हम एम कहते हैं जो एम होता है वो बेसिकली क्या होता है डिक्रीजिंग होता है यानी कंज्यूमर जो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसमें से किसी एक गुड की यूनिट को इंक्रीज करने के लिए उसे दूसरे गुड्स की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना होगा इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और ये डिक्रीजिंग होता है आप इसे इस टेबल से देख सकते हैं कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई और एम आर एस एक्स की फर्स्ट यूनिट से दूसरी यूनिट तक जाने के लिए वाई कमोडिटी की चौदह से दस यूनिट तक जाना पड़ा यानी चार यूनिट्स को अप करना पड़ा सेकेंड से थर्ड यूनिट तक जाने के लिए फिर से कुछ यूनिट्स को गिव अप किया गया यानी थ्री यूनिट्स को गिवअप किया गया एंड सो ऑन तो आप देख सकते हैं पहले चार यूनिट्स को गिव अप किया गया फिर तीन फिर दो फिर एक ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में एम जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा एम का एम ऑफ एक्स फॉर वाई यानी एक्स को बढ़ाने के लिए वाई में कितना चेंज लाया गया या वाई में कितना रिडक्शन किया गया तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स यहाँ याद रखें कि जिस गुड में रिडक्शन हो रहा है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जिस गुड में इंक्रीमेंट होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं ये बात आप यहाँ याद रखें क्योंकि अगर ये गुड्स इंटरचेंज भी हो जाते हैं यानी एक्स की जगह वाई हो जाता है वाई की जगह एक्स हो जाता है तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब ये हो जाएगा चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई इसे आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं तो वापस से हम क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ करेक्ट फार्मूला ऑप्शन सी है क्योंकि यहाँ पे एक्स कमोडिटी को बढ़ाया जा रहा है और वाई की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्योंकि वाई में रिडक्शन हो रहा है और एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है है बिजनेस बिजनेस। इकोनॉमिक टूल सेंट्रिक फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग इन दिया प्रोवाइड्स एनालिटिकल सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरीज विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक थियोरीज को इकोनॉमिक जो थियोरीज हैं प्लस जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं इनको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके और फ्यूचर की प्लानिंग कर सके इस परपज से क्या किया जाता है जितनी भी इकोनॉमिक थियोरीज होती हैं इनको एनालाइज किया जाता है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल यूसेज में लाया जा सके और बेहतर डिसीजंस बिज़नेस में लिए जा सके तो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है एक एनालिटिकल व्यू दे रहा है बिज़नेस को ताकि बिजनेस बेहतर डिसीजंस ले सके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिमांड एनालिसिस डिमांड एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि किसी मार्केट में कंज्यूमर किस गुड की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से पता चलती हैं तो इकोनॉमिक्स एक एनालिटिकल व्यू दे रहा है जो बिजनेस है वो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सके और फ्यूचर प्लानिंग कर सके तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू पहला है डंपिंग दूसरा है किंग डिमांड कर्व थर्ड है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू कर्व और फोर्थ है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लिस्ट टू में आपको फॉर्म्स दिए हैं मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ओलिगोपोली फॉर्म परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली तो सबसे पहला है डंपिंग डंपिंग एसोसिएटेड है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली से डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में सेम प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में लोअर प्राइजेस पे सेल किया जाता है इसे हम डंपिंग कहते हैं इसके कई रीजंस हो सकते हैं जैसे अगर सरप्लस प्रोडक्शन है तो उसको निकालने के लिए मोनोपोलिस ऐसा कर सकता है या फॉरेन मार्केट में जो राइवल्स हैं उनसे आगे निकलने के लिए कर सकता है या फॉरेन मार्केट में अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए कर सकता है ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डंपिंग की जाती है दूसरा है किंग डिमांड कर्व ये एसोसिएटेड है ओलिगोपोली फॉर्म से ओलिगोपोली में आपको कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है तो ओलिगोपोली ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ कुछ सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं या क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के यहाँ पर एक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिलता है यानी कि अगर एक फर्म अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को थोड़ा सा भी घटाती है रिड्यूस करती है तो तुरंत ही जो दूसरी फर्म होगी वो रिएक्शन देगी और वो भी अपनी जो प्राइजेस होंगी उसको रिड्यूस कर देती है इसीलिए इसमें डिमांड करव किंग डिमांड करव होती है क्योंकि जो प्राइस होती है वो एक सेट कर दी जाती है कि जितनी फॉर्म्स होती हैं वो करीब करीब इसी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करती हैं क्योंकि अगर वो अपने प्राइस को ज़रा भी रिडक्शन करती हैं तो दूसरी फॉर्म तुरंत रिएक्शन में आएगी और वो भी अपने प्राइस को कम कर देगी तो ऐसी स्थिति में जो एक फॉर्म होगी उसको कोई भी फ़ायदा इंडिविजुअली नहीं मिलता है नेक्स्ट है हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन कर्व ये एसोसिएटेड है परफेक्ट कॉम्पटिशन मार्केट से परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो रेवेन्यू कर्व होता है या प्राइस कर्व है यह क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें आप क्या देखते हैं कि जो फॉर्म है वो प्राइस टेकर है जो प्राइस इंडस्ट्री ने तय कर दिया है फॉर्म को उसी प्राइस पर जितनी भी क्वांटिटी चाहे वो सेल कर सकती है लास्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ये एसोसिएटेड है आपका मोनोपोलिस्टिक फॉर्म से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं यानी सारे फॉर्म्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ ग्राउंड्स पर डिफरेंट होते हैं जैसे ब्रांड अलग हो सकता है कलर अलग हो सकता है डिज़ाइन अलग हो सकती है कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन पे ये प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा डंपिंग इज एसोसिएटेड विद डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली किंग डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड विद ओलिगोपोली फॉर्म हॉरिजोंटल स्ट्रेट लैंड रेवेन्यू करव इज एसोसिएटेड विथ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ये एसोसिएटेड है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म से तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ यूटिलिटी एक्सपेक्टेड सैटिस्फेक्शन दूसरा है रिलेटिव थर्ड है साइकोलॉजिकल और फोर्थ है ऑल द अब तो यूटिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट ये तीनों है तो आंसर आपका ऑल द अबव होगा यूटिलिटी क्या है एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है यानी एक कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी गुड को कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये एक्चुअल सेटिस्फैक्शन से अलग हो सकता है यानी कि एक कंज्यूमर जितना एक्सपेक्ट कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में भी उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो दूसरा है ये एक रिलेटिव टर्म है यानी यूटिलिटी टाइम प्लेस और एज़ पर कंज़्यूमर्स हमेशा अलग होती है एक कंज्यूमर को किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंज्यूमर को भी उतनी ही यूटिलिटी मिल रही हो या एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए को यूज़ करके जो यूटिलिटी मिल रही है ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बी को भी यूज़ करके वही यूटिलिटी एक कंज्यूमर को मिले तो ये क्या है एक रिलेटिव टर्म है थर्ड है साइकोलॉजिकल यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यानी कि कि किसी गुड को कंज्यूम मेंटल सेटिस्फैक्शन एक व्यक्ति को मिल रहा है यूटिलिटी इससे एसोसिएटेड होती है इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व पहला इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप दूसरा है इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स आर कॉन्केव ओरिजिन थर्ड है इंडिफरेंस डिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और फोर्थ है अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो यह ऑप्शन बी करेक्ट होगा इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट आर कॉन्केव ओरिजिन ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की पहला इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है क्योंकि एमआरएस डिक्रीजिंग होता है इसलिए इन कर्व क्या होगा नेगेटिव स्लोप होता है दो कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन से आईसी पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो जितना अबव या जितना अपर आईसी होता है उस पर सबसे ज्यादा सैटिस्फेक्शन मिलता है तो ये तीन ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इंडिफरेंस कर की बेसिक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। यहाँ पे आपको थियरीज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है लिस्ट वन में थियरी दी गई है और लिस्ट टू में दिया गया कौन से इकोनॉमिक ने इसे दिया है सबसे पहला है रिस्क थियरी ऑफ प्रॉफिट ये दिया है प्रोफेसर हॉले ने इन द ईयर 1907 दूसरा है इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट यह दिया है प्रोफेसर शुमपीटर ने थर्ड है रेंट थियरी ऑफ प्रॉफिट यह दिया है प्रोफेसर एफ ए वॉकर ने इन द ईयर 1887 और डायनेमिक थियोरी ऑफ प्रॉफिट दिया है जेबी क्लार्क ने तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रेक्वेजाइट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म मस्ट है मोनोपोली पावर दूसरा है प्रोडक्ट है मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस थर्ड है मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड और फोर्थ है कस्टमर्स आर अन अवेयर अबाउट अप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ कमोडिटी तो इसके बारे में हम देख लेते हैं नेसेसरी कंडीशंस क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग कंज्यूमर्स सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइजेस चार्ज करता है तो इसके लिए कुछ नेसेसरी पहला है मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होने चाहिए यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी वो अलग अलग होनी चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए जिन मार्केट्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है या लेस इलास्टिक होती है वहां मोनोपोलिस्ट हाई प्राइजेस चार्ज करता है और जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होती है वहां पर वो क्या करता है कम प्राइजेस को चार्ज करता है नेक्स्ट है सेपरेट मार्केट जो मार्केट होते हैं वो सेपरेट होने चाहिए और सेगमेंटेड होने चाहिए यानी अलग अलग जगहों पे होना चाहिए दो मार्केट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है अगर दो मार्केट डिस्टेंट प्लेसेस पे नहीं है और एक मार्केट से दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट आसानी से लाया जाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता है फोर्थ है नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सब्सटीट्यूट नहीं होने चाहिए जो गुड्स या सर्विसेज हैं ये रीसेलेबल या ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ बायर्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब बायर्स को प्रोडक्ट की सही प्राइस के बारे में जानकारी ना हो नेक्स्ट है लीगल सैंक्शन कई बार गवर्नमेंट के द्वारा लीगल सैंक्शन मिला होता है मोनोपोलिस्ट को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का जैसा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के, के केस में देखते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइजेस को चार्ज किया जाता है नेक्स्ट है सप्लाई ऑन ऑर्डर अगर एक मोनोपोलिस्ट ऑर्डर पे कुछ प्रोडक्ट्स को बना रहा है तो उनके लिए वो हाई प्राइजेस चार्ज कर सकता है जो रिच लोग हैं उनसे नेक्स्ट इशनल फीलिंग ऑफ बायर्स अगर बायर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी का है और कम प्राइस पेमेंट कर रहे हैं यानी वो लो क्वालिटी का है तो इस तरीके की फीलिंग अगर बायर्स रखते हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो ऑप्शन ए सही है फॉर्म मस्ट हैव अ मोनोपोली पावर सेकेंड ऑप्शन जो है प्रोडक्ट है मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस कि ये प्री नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्योंकि अगर प्रोडक्ट से क्लोज सब्सटिट्यूट्स होंगे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस नहीं कर सकता थर्ड यहाँ पर सही है सेपरेटेड होना चाहिए मार्केट और कस्टमर्स को अप्रोप्रिएट प्राइस की जानकारी नहीं होनी चाहिए तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग एजम्पन्स यहाँ कुछ एजम्पन्स दिए गए हैं हमें बताना है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड कौन कौन से एजम्पशंस हैं पहला है यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स सेकेंड है कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थर्ड है यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटर और फोर्थ है गोसेंस फर्स्ट लॉ तो यहाँ जो पहला अजम्पन दिया है वो कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है यूटिलिटी को कहा जाता है कि कार्डिनल नंबर्स में यानी हम नंबर्स में वन टू थ्री फोर इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है ये अज्यूम किया जाता है थर्ड है यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट ये गलत है जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होती हैं अभी हमने यूटिलिटी का एट्रीब्यूट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक ही कंज्यूमर जब दो गुड्स को कंज्यूम करता है तो दोनों की यूटिलिटी अलग अलग होती है ये एक रिलेटिव टर्म है फोर्थ है गोसंस फर्स्ट लॉ गोसंस फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसे हम लॉ ऑफ प्रपोर्शनैलिटी भी कहते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी कार्डिनल एनालिसिस पर अप्लाई होता है है ये इसका अजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एक कंज्यूमर जब किसी गुड्स को कंज्यूम करता है तो जैसे जैसे वो उसके कंजम्पशन की यूनिट्स को बढ़ाता चलता है जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज करने लगती है एक समय के बाद जीरो हो जाती है फिर नेगेटिव हो जाती है एच एच गोसन है इन्होंने दो लॉज दिए थे गोसन फर्स्ट लॉ गोस सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड है तो यहां हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फोर्थम आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स पहला ऑप्शन है अपवर्ड दूसरा है डाउनवर्ड थर्ड है हॉरिजॉन्टल और फोर्थ है वर्टिकल तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको स्टैटिक रखा जाता है जो चेंज नहीं होती हैं जैसे रिलेटेड गुड्स की प्राइस कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन सब में चेंज नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ बात होती है किसी कमोडिटी की प्राइस की और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेज एंड वाइस अवर्सा किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और इसी के विपरीत जब प्राइस को घटा दिया जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है यहाँ आपको प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है या आप कह सकते हैं नेगेटिव देखने को मिलता है जो रिलेशनशिप होता है यानी प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी प्राइस अगर घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी ये इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में होता है इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्राइस थर्टी था तब तीन यूनिट्स कंज्यूम की जा रही थी एप्पल की जैसे ही प्राइस ट्वेंटी फाइव हुआ जो यूनिट्स है क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ा दी गई फाइव तक कर दी गई जब प्राइस और घट के ट्वेंटी हुआ तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो और बढ़ गया एंड सो ऑन तो यहाँ आप देख रहे हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है एप्पल की वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोपिंग क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो हमारा क्वेश्चन था नॉर्मली डिमांड कर स्लोप्स तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग